झूठ बोलो, आएगा केजरीवाल। केजरीवाल ही क्यों आएंगे इस बार, तो कह रहे हैं केजरीवाल अपने काम पर आएगा, इनके काम पर आएगा, इनके काम, इनके कहने से काम पर आएगा, इनके कहने। हाँ मुझे पता है, केजरीवाल के बाप का पैसा लगा, यहाँ हमारा लगा पैसा, उसमें भी दलाली खाई है। अरविंद केजरीवाल खुद दलाली के केस में तिहाड़ जेल होके आए, मनीष सिसोदिया आए, सत्येंद्र जैन आए। केजरीवाल दिल्ली में पक्का है, कैसे काम करा है, आप गांधी चौक में खड़े हो ना, ये भी केजरीवाल का बाप के साथ मैंने काम किया है। ये कोई ऐसा काम बताओ जिसमें दलाली ना खाई हो, कोई एक काम बताओ जिसमें दलाली ना खाई हो। मैं पूछ रहा हूँ, कोई एक काम गिनाओ केजरीवाल का जिसमें दलाली ना खाई हो। बिना दलाली के बन गया, बिना दलाली का कोई नेता है? नेता है, नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, योगी आदित्यनाथ है, ऐसा नेता देखा है कहीं? मैं कहती हूँ केजरीवाल जैसा बंदा ही नहीं है कोई। हाँ लग रहा है इस बार केजरीवाल आएंगे चुनाव में, क्यों नहीं आएंगे? जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। तो केजरीवाल को कह रहे भ्रष्टाचारी, कहा भ्रष्टाचारी, इनका इनको लूटा होगा, आतिशी मार लेना, खुद शराब कारोबारियों के साथ साठगांठ करती थी, ये अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट है। मनीष सिसोदिया जेल गए, सत्येंद्र जैन जेल गए, संजय सिंह जेल गए, केजरीवाल जेल गए, क्या ये कम है भ्रष्टाचार? आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, आएगा केजरीवाल। मैं इस व्यक्ति से पूछ रहा हूँ जो सत्ता में बैठा है, शीर्ष पर बैठा है, विधायक है, सांसद है, मुख्यमंत्री है, अगर वो दलाली खा रहा है, वो रिश्वत कर रहा है, वो घृणित कार्यों को अंजाम दे रहा है, तो उसके राज्य में शासन प्रशासन पुलिस की व्यवस्था कहाँ से ठीक होगी? बीइंग ए चीफ मिनिस्टर, आपके राज्य में 20,000 बेटियों के रेप के मुकदमे दर्ज हो गए, आप कौन सी बिल में, कौन से शीश महल में सो रहे थे, किसकी रोटी खा रहे थे? ये सब के सब घोटालों को ही अंजाम दे रहे हैं, दलाली और भ्रष्टाचार को ही अंजाम दे रहे हैं, तो नियम ईमानदारी कौन फॉलो करेगा? एक दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव 2025 से पहले जो दिल्ली में सियासी हलचल है वो कहीं ना कहीं तेज होते हुए नजर आ रही है। आपको बताते चले कि लगातार दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल जो है वो केंद्र सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर के आरोप लगा रहे। विनय जी क्या बोलेगा, केजरीवाल लगातार दिल्ली कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए, उनका कोई मिनिस्टर बचा है जिसने रिश्वत कांड ना को अंजाम दिया हो, कोई एक प्रोजेक्ट, कोई एक काम बताए अरविंद केजरीवाल जिसमें उनकी पार्टी ने रिश्वत ना ली हो, दलाली ना खाई हो, तो दल्ले और दलियों की पार्टी रह गई अरविंद केजरीवाल की पार्टी, इससे ज़्यादा उसकी कोई हैसियत वैसियत है नहीं। पानी दिल्ली सरकार के पहुंचाने का दायित्व तो था, जहां पानी नहीं पहुंचाया वहां दलाली खाई पानी पहुंचाने में, राशन कोरोना काल में दिल्ली सरकार का दायित्व तो था, जहां राशन पहुंचाया वहीं डॉक्टर को सुसाइड करना पड़ा, वहां भी दलाली खाई, कौन शीश महल बनाया वहां दलाली खाई, शराब नीति लेकर आए वहां दलाली खाई। अरविंद केजरीवाल खुद दलाली के केस में तिहाड़ जेल होके आए, मनीष सिसोदिया आए, सत्येंद्र जैन आए, और भी बहुत सारे लोग, और यहाँ तक अरविंद केजरीवाल की पार्टी का एक कैबिनेट मिनिस्टर तिहाड़ में भी बैठ करके दलाल का काम करने लगा, दलाली का काम करने लगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि घर का मालिक जो सत्ता में बैठा है, शीर्ष पर बैठा है, विधायक है, सांसद है, मुख्यमंत्री है, अगर वो दलाली खा रहा है, वो रिश्वत कर रहा है, वो घृणित कार्यों को अंजाम दे रहा है, तो उसके राज्य में शासन प्रशासन पुलिस की व्यवस्था कहां से ठीक होगी? आप एक बात बताइए ना कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो भ्रष्टाचार नहीं कर रही है? आप लोग केजरीवाल के शीश महल को लेकर सवाल उठा रहे हैं, अगर बात करें बीजेपी के विधायकों की तो उनके महल आपने देखे? आप एक चीज बताइए, मैंने कहा सीट्स पे बैठा व्यक्ति यदि रिश्वतखोर हो जाएगा तो राज्य का देश का क्या हालात होती? जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, एमएलएस कैबिनेट मिनिस्टर घोटालों को अंजाम दे रहे थे, तब देश गर्त में था कि नहीं था? तो दिल्ली का मुख्यमंत्री रिश्वत कांड को अंजाम दे रहा है, शिक्षा मंत्री अंजाम दे रहा है, स्वास्थ्य मंत्री अंजाम नहीं है ना मुख्यमंत्री वो, आप एक चीज बताइए, स्वास्थ्य मंत्री दे रहा है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर घोटाले को अंजाम दे रहा है, जब ये सब के सब घोटालों को ही अंजाम दे रहे हैं, दलाली और भ्रष्टाचार को ही अंजाम दे रहे हैं, तो नियम ईमानदारी कौन फॉलो करेगा? एक संस्कृत में श्लोक है, यदि स्वान ही नीर और क्षीर का अंतर नहीं करने का साहस जुटा पाएगा तो इसका अंतर कौन करेगा?
जब मुख्यमंत्री ईमानदार नहीं हो सकता, सांसद आपका ईमानदार नहीं हो सकता, विधायक आम आदमी पार्टी का ईमानदार नहीं हो सकता, तो ईमानदारी किसके खाते में है और कहां लिखी हुई है? यही कारण है भ्रष्टाचार, यही कारण है अपराध। दिल्ली में पिछले 10 साल से अरविंद केजरीवाल हैं, 20,000 बेटियों का रेप की घटना हुई, कितने में केजरीवाल ने बोला अपने के हाथ में ना, तो आप लोग केंद्र से क्यों नहीं सवाल? मैं कह रहा हूँ किसी के हाथ में हो, बीइंग ए चीफ मिनिस्टर, आपके राज्य में 20,000 बेटियों के रेप के मुकदमे दर्ज हो गए, आप कौन सी बिल में, कौन से शीश महल में सो रहे थे, किसकी रोटी खा रहे थे? व्हाई शुड यू स्लीप 10 ईयर्स? 10 साल तक आप शांत से बिलों में बैठ करके घोटाले और दलाली का काम करते रहे, आपको शर्म नहीं आई? आपके राज्य की क्या स्थिति है? पोल्यूशन से पूरी दिल्ली मर रही है। कभी अरविंद केजरीवाल ने कहा मेरी जिम्मेदारी, मैं फेल हुआ, 1 किलोमीटर साफ करने के मैंने दायित्व उठाया था, पूरा किया? जब 1 किलोमीटर का एरिया का दायित्व एक मुख्यमंत्री पूरी सरकार नहीं उठा रही, तो भ्रष्टाचार नहीं बढ़ेगा, अपराधी नहीं बढ़ेंगे, गुंडे नहीं बढ़ेंगे, कौन नहीं बढ़ेगा? केजरीवाल तो दिल्ली में कानून व्यवस्था को देख करके खुद आज कह रहे हैं कि उनका मन करता है कि वो दिल्ली छोड़ के चले जाएं। कानून व्यवस्था देख करके केंद्र से सवाल कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था अमित शाह से क्यों नहीं समझ? अपने कैबिनेट मिनिस्टरों की करतूतों को देख करके शर्मिंदगी नहीं आती है? चुल्लू भर पानी में डूब के मरने का मन नहीं करता है? अपने कैबिनेट मिनिस्टर से पूछो दलाली क्यों खाई? एक शिक्षा मंत्री होकर के दलाली खाने वाला कैरेक्टर निभाते हैं, ये कैरेक्टर है आपका? 25 लाख में एक कमरा बनाते हैं, ये कैरेक्टर आपका है? पूरी दिल्ली कितना पानी, कितने 2 रुपए मैडम, 2 रुपए 66 पैसे में 1,000 लीटर पानी आता है दिल्ली में। यदि 2 रुपए 66 पैसे में 1,000 लीटर गरीबों को सबको पानी आ रहा है और गलत बिल नहीं भेजा जा रहा है, तो मैं कहता हूं दिल्ली का रिक्शा चलाने वाले को भी 2 रुपए 66 पैसे पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम क्या है सुनिए, प्रॉब्लम क्या है, दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर जल बोर्ड आता है, व्हाई शुड यू नॉट पे द राइट बिल टू द कस्टमर्स पब्लिक्स 2 रुपए 66 पैसे? मैं बता रहा हूँ 1,000 लीटर पानी की कीमत 2 रुपए 66 पैसे है जल बोर्ड की, क्या आप दे सकते हैं कि नहीं? अब आप मेरी बात, मैं पूछ रहा हूँ यहाँ खड़ा कोई भी व्यक्ति बताए 2 रुपए 66 पैसे 65 पैसे में 1,000 लीटर पानी साफ सुथरा आप ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, बताइए मुझे कोई एक व्यक्ति। सब की बात से सहमत है, मैंने पहले बात इनकी सुनी नहीं। केजरीवाल कैसा काम कर रहे थे? बहुत बढ़िया, मैं कहती हूँ केजरीवाल जैसा बंदा ही नहीं है कोई। अच्छा, हाँ लग रहा है इस बार केजरीवाल आएंगे चुनाव में? क्यों नहीं आएंगे? जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। तो केजरीवाल को कह रहे भ्रष्टाचारी, कहा भ्रष्टाचारी, इनका इनको लूटा होगा एसी बस में चलने का, समझे आप? केजरीवाल दिल्ली में पक्का है, काम करा है, आप चौक में खड़े हो ना, ये भी केजरीवाल का वहाँ के साथ मैंने काम किया है, मैंने काम करा है, मैंने गिरफ्तारी दिया 1973 में, उतने क्या सुनोगी? अगर मैंने काम करा हो तो मुझे वोट दो, अन्य वरना किसी और को दे देना, ये भी देख के बात करती हूँ मैं, समझे? अगर काम करा तो मुझे, बीजेपी ने काम नहीं किया कुछ, बीजेपी किया लाल किले का बुरा हाल कर दिया, बीजेपी नौकरियाँ खा गई सबकी, नौकरी खा गई सब। अच्छा अच्छा, यहाँ ट्राम चलती थी, मैं बैठी हूँ ट्राम में, अब नई ट्राम चल रही तो आपको बुरा कर दिया, यहाँ की जन्मभूमि है मेरी अंगूरी बाग की। किसका बुरा, कहा क्या बुरा हो गया बताइए? मुझे नहीं अच्छा लगा, मैंने दिया मोदी को वोट, मोदी को क्यों मैंने दिया वोट? जो वो मोदी है, सुन तो लो, रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं जानती हूँ, देख के बताइए। राहुल को गाली मत बोलना, गांधी के साथ यहाँ क्या लग रहा है इस बार राहुल गांधी कैसा काम? मैं उसके साथ अभी चली नहीं हूँ, मैंने मोदी का काम दस, मैं जो गया था बाहर पाकिस्तान में पकड़ा गया था उनको लेकर आई थी अम्मा, मैं साफ सुथरी बात कर रहा हूँ, 2 रुपए 66 पैसे में 1,000 लीटर पानी मिलता है दिल्ली का, यदि आतिशी मार लेना कह रही है कि बिजली का बिल जो है, सुनिए सुनो सुनिए, 2 रुपए 66 पैसे में 1,000 लीटर पानी की कीमत है, तुम ले सकती हो कि नहीं ले सकती हो? तुम लगा रहे हो 9 रुपए में 3 पार्ट, झूठ बोलो, आएगा केजरीवाल, केजरीवाल ही क्यों आएंगे इस बार? तो कह रहे हैं केजरीवाल अपने काम पर आएगा, इनके काम पर आएगा, इनके काम, इनके कहने से काम पर आएगा, इनके कहने, हाँ मुझे पता है केजरीवाल के बाप का पैसा लगा, यहाँ हमारा लगा है पैसा, उसमें भी दलाली खाई है,
उसमें भी दलाली खाई है? कोई ऐसा काम बताओ जिसमें दलाली ना खाई हो? कोई एक काम बताओ जिसमें दलाली ना खाई हो? मैं पूछ रहा हूँ, कोई एक काम गिनाओ केजरीवाल का जिसमें दलाली ना खाई हो? गिना दो दिया, इसमें दलाली नहीं खाई है। इसमें कौन सी दलाली खाई? बिना दलाली के बन गया, बिना दलाली के बन गया, बिना दलाली के है नेता, है नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, योगी आदित्यनाथ है। ऐसा नेता देखा है कहीं? कहीं देखा है? कहीं देखा है ऐसा नेता? माइक पर क्यों कह देते हैं? बोल दो, तो कह रहा हूँ ना कि कोई एक काम केजरीवाल का, उनकी मिनिस्टरों का, उनके पार्षदों का बता दे जिसमें रिश्वत ना खाई हो। अगर केजरीवाल कह दे कि इस दिल्ली की राजधानी में रहने वाला व्यक्ति 1000 लीटर पानी का 2.66 रुपए देने की औकात नहीं, मैंने ऐसी दिल्ली, ऐसे दिल्ली वाले, ऐसा शहर, ऐसी राजधानी बनाई है, तो मैं बता दूं आपको। आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, आएगा केजरीवाल। मैं इस व्यक्ति से पूछ रहा हूँ, 1000 लीटर पानी 2.66 रुपए में प्रॉब्लम क्या है? यहाँ दिल्ली का मुख्यमंत्री अगर लोगों को सही बिल दे दे तो 2.66 रुपए तो क्या 5 रुपए भी देने को तैयार है। आज तक अरविंद केजरीवाल, अगर मैं पूछ रहा हूँ ना यहाँ खड़ा हर व्यक्ति से, मोबाइल में निकालो देखो, बिजली के दर यही है 2.66 रुपए में 1000 लीटर पानी प्योर क्लियर आपकी देने की हैसियत है कि नहीं राजधानी में रह के 2.66 रुपए? एक बात बताइए, देखिए चुनाव से पहले सभी पार्टी अपनी मैनिफेस्टो लाती है, वादे करती हैं। आतिशी मार्लेना कह रही हैं, जो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री हैं, कि अब वो 400 यूनिट बिजली फ्री करेंगी और भी जो चीजें हो पाएगी वो महिलाओं के लिए खास तौर पे किया जाएगा चुनाव से पहले। आतिशी मार्लेना से पूछिए, ये 400 यूनिट फ्री देने वाली आतिशी मार्लेना दिन भर रात भर आग में जल करके काम करके मोबिल तेल पोत करके नहा करके जो बेटे कमा रहे हैं उनसे 18 रुपए बिजली वसूलने के दम क्यों रखती हैं? मैं कहता हूं दिल्ली के हर व्यक्ति को वही बिजली दूंगा जो कमर्शियल घर में बिजली सप्लाई हो रही है, वही शोरूम में सप्लाई होगी, उसी रेट पर होगी। क्यों उससे 18 रुपए वसूल रहा हूँ? जो खून पसीना रात दिन करके इस चांदनी चौक को चला रहा है, इस चांदनी चौक में हजारों लाखों बच्चों परिवारों की रोजी रोटी चला रहा है, उसे 18 रुपए क्यों देती है? 400 यूनिट फ्री देती है, क्या हैसियत पैदा करने की कोशिश नहीं करेंगी? मैं कह रहा हूँ ना 2.66 रुपए तुम्हारे राज्य का व्यक्ति बिजली पानी का बिल नहीं दे सकता, ऐसी सड़ेली दिल्ली तुमने क्यों बनाई? नहीं, जो कानून, कानून व्यवस्था पे सवाल केजरीवाल उठा रहे हैं उस पर क्या बोलना? आतिशी मार्लेना खुद शराब कारोबारियों के साथ साठगांठ करती थी, ये अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट है। मनीष सिसोदिया जेल गए, सत्येंद्र जैन जेल गए, संजय सिंह जेल गए, केजरीवाल जेल गए, क्या ये कम है भ्रष्टाचार के लिए? अपने गिरेबान में, अपने घर में, अपने शीश महल को तो साफ नहीं कर पाई आतिशी मार्लेना, ये किसको बेवकूफ बनाने का काम कर रही? वो लोग तो कहते हैं कि जो बीजेपी में उनसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं। आप लोग भ्रष्टाचारी नाम बताओ, एक का नाम बताओ, तुम्हारे 10 साल में तुम एक नाम नहीं बता पाए। दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर के किस तरीके से जो केजरीवाल है वो सवाल उठा रहे केंद्र सरकार पर, तो इस पे यहाँ की जनता ने अपनी राय रखी। फिलहाल आपको आगे ऐसी जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।